सुबह 6 बजे उठता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, 30 किलो बनाना हो टोप में चढ़ाता हूँ, उसके बाद में सिगड़ी सीटिंग करता हूँ, गैस चालू कर देता हूँ। जी हाँ सर, नाश्ता बना रहा हूँ घर में। आइए नीचे आइए सर, खाइए ना। सुबह में सर हम लोग नाश्ता साथ साथ में बैठ के करते, उसके बाद 9:30-10 बजे के बाद में अपना सब कार्यक्रम फिर शुरू करेंगे। कांदा छिलना, कांदा काटना, कोथमीर काटना, ये सब करते करते 11 बज जाते हैं। आधा घंटा को फुर्सत मिलते हैं, खाना खाएंगे, 11:30 बजे घर छोड़ देते हैं। सर गरीबी में स्टार्ट हुआ मेरा जिंदगी, जो है गरीबी से चला, और बहुत गरीब घर का मैं पैदा हुआ था। हमारे पिताजी शिक्षा नहीं दे पाए, मैं सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ाए। आज मेरे पास सर घर है, बच्चे लोग हैं, सुखी है। इसके लिए क्या है, मैंने मेहनत बहुत किया, और मैंने कम से कम 10 साल कटरस लाइन में काम किया। कालीगर लोग था उसके हाथ के नीचे मैंने कपड़ा भी उनका धोया है, बर्तन साफ किया है। सर ऐसा है कि कटले लाइन छोड़ दिया था तो साधना स्कूल के अंदर मैंने 125 रुपये में नौकरी किया। तो कभी कभी ऐसा दिन हो जाता था कि मैं और मेरी मिसेस रोटी लेके आते थे, तो खाली रोटी आता था तो हम लोग थोड़ा नमक और मिर्ची खा के अपना दिन वो दिन निकाल रहे। सर कर्जा नहीं किया, न किसी से मांगा, और हमारे पूरा परिवार खानदान है, लेकिन कोई पूछने को नहीं आया टाइम पे, तुम लोग खाता है कि नहीं खाता, लो 1500 तुम्हारा घर चलाओ, बाद में होएगा तो देना हमको। आजू बाजू वाला कोई भी दुकान है, किसी से एक पैकेट नमक हम लोग उधारी नहीं लिए सर, बहुत मुश्किल से आया। ये तो घर इतना था सर कि पानी भर जाते थे, ऊपर का पतरा टूटा रहता था सर, हम लोग बच्चे लोग को प्लास्टिक उड़ा के रात गुजारते थे, ऐसी से मैं निकाला सर। पर अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ता हूँ सर, आज भी बच्चे लोग को सपोर्ट देता हूँ, बच्चे लोग को बोलता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट दो, हम आपको सपोर्ट देंगे, हमारे हाथ में कला है, हम दुनिया को दिखाएंगे हमारा वड़ा पाव कैसा टेस्टिंग है। आज धंधे के ऊपर हर एक बाहर के आदमी आते हैं, खाते हैं, एक खाने वाले इंसान दो दो खा के जाते हैं। आज हम अपने पैर के ऊपर खड़ा हुए सर, उसी साइंस सर का धंधे की वजह से खड़े हैं। आज बॉम्बे के अंदर अगर किस चीज की जरूरत है, अगर इंसान को रोजमर्रा खाने की चीज की जरूरत है, तो आज सबसे बेहतरीन चीज और कम दामों में इंसान का पेट भर जाना सबसे बड़ी चीज है, उसमें से एक चीज है बम्बई का वड़ा पाव। बम्बई के वड़े पाव की बहुत हिस्ट्री पुरानी है, जब इंसान गरीब था जिसके पास कुछ नहीं था, तो कुछ लोगों की मदद से यहाँ पर ऐसे स्टॉल लगाए जिसमें से एक ये स्टॉल है। और वड़ा पाव एक ऐसी चीज़ है भाई कि इसमें इंसान को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उतरा जेब में अगर 50 रुपये तो 4 वड़े पाव में 2 आदमी खा लें, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। ए गोपाल भाई 2 चाय लेके आना भाई, बहुत अच्छे इंसान है वो, तो बच्चे लोगों को 5 रुपये वड़ा पाव देते हैं। जिस टाइम मैंने धंधा स्टार्ट किया तो उस टाइम 5 रुपये वड़ा पाव था, वो टाइम स्कूल के बच्चे लोग 2 रुपया 3 रुपया भी लाते थे, तो हम लोग स्कूल के बच्चे लोग को 2 रुपया 3 रुपया वड़ा पाव देते थे। एक अरमान था कि हमारे बच्चे जिस तरह से गुजरे हुए हैं, आज ये स्कूल के बच्चे गुजर न पावे।
लोन चट जैसा डीएस के हैं, साधना के हैं, गौरी दत्त के हैं, बीएमसी स्कूल के हैं, कोई भी स्कूल का बच्चे लोग यूनिफॉर्म में आएंगे तो उनको हम 5 रुपये वड़ा पाव देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं। जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था मैंने देखा कि लोग 5 रुपये में वड़ा पाव दे रहे हैं स्कूल के बच्चों को, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा चीज चल रहा है। Everybody can do a charity work and is doing a charity by giving the hungry boys who are coming from school and paid only for 5 rupees or 5 rupees vada pav, they're happy. वड़ा पाव हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट एक साल से खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत चीपली मिलता है 5 रुपीज स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी स्कूल के हो या कॉलेजेस के हो। पहले स्टार्टिंग में मैं 3-4 वड़ा पाव खा जाती थी बट धीरे धीरे मुझे भूख कम लगने लगी तो मैं 2 खाती हूँ या कभी कभी 1 भी। क्यों 5 रुपये खाते हैं हम, क्यों वड़ा पाव 5 रुपये बेचते हैं, इसलिए बेचते हैं कि हमने जो बच्चे से अपना जिंदगी काटा हुआ है वो उनके माँ बाप काटते होंगे या स्कूल बच्चे जाते होंगे, पापा मुझे 10 रुपये तो बोलते हैं कि नहीं बेटा सिर्फ 5 रुपये। अगर वो बच्चे 5 रुपये लेके आए हमारे धंधे में, अगर 5 रुपये एक वड़ा पाव खा ले वहाँ के खा के जब वो पानी पी के निकलते हैं उनके चेहरा खिलता हुआ दिखता हूँ तो बहुत आनंद आता है सर मुझे। सबसे बड़ा जनरस बात है कि वो तो इट इज़ ऑल ऑल नॉट मनी मनी बट ही इज़ डूइंग फॉर गुड कॉज ऑल्सो। हम खाली मेहनत करते हैं, ठीक है हम बच्चे से नहीं कमाते हैं मगर जो इंसान 10 रुपये वड़ा पाव खाते हैं उससे तो 2 रुपये मिलते हैं, वैसे में हम गुजर करते हैं और ऊपर वाले की दुआ से कोई कम नहीं है सर। हमारे घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, गाड़ी आएगा, कभी सपना देखे तो कितनी गरीबी थी, चटनी रोटी खा के हम लोग दिन बिताए, अभी तो मुझे सपना ही लगता है, पानी आ रहा है अंदर। सर मानिए तो भगवान है हर एक जगह, दिल से मानिए तो, नहीं मानने वाले तो नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं। आज की तारीख के अंदर देखेंगे तो भगवान तो सब जगह है, आप जहाँ देखेंगे वहाँ दिखेंगे, मगर आप प्रेम से देखो, उनको श्रद्धा से देखो, वो जरूर दिखेंगे आपको। 24 घंटे के अंदर अगर उनके लिए 2 मिनट भी अगर टाइम निकाल के अगर उनको पूजा करे तो उनका दिन बहुत अच्छा जाता है सर। ऐसी नगरी है सर कि कोई भी जी खा सकता है, अगर हिम्मत हारे नहीं तो बम्बई के अंदर 400-500 रुपये डेली आदमी कमा सकते हैं। हम भी इसी तरह से हिम्मत करके आगे निकला हूँ, आदमी कितना भी तूफान से अगर लड़े अगर हिम्मत करे तो बम्बई के अंदर अपना मुकाम तक पहुँच सकते हैं सर। मुंबई हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत बढ़िया शहर है, अच्छे बुरे से भी मुलाकात होता है सर, बहुत अच्छी जगह है मुंबई, हमारे लिए बहुत खास चीज़ है। हम मुंबई गए थे, हाफ चड्डी के अंदर आए थे, अभी फुल पैंट पहन रहे हैं। थैंक यू मुंबई, वेरी मच मुंबई।